लगता कि हमारे हालात हमें परेशान करते हैं। मेरे ख्याल में ये इस पर मुनसर है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। आज मैं बताऊंगी हमें किस तरह बामकसद सही सोच रखनी चाहिए। से किसी को अगर नागवार हालत से गुजरना पड़ा है तो फिर देखना यह है कि आपको दोबारा यह ना देखना पड़े और आपको बददिली, मायूसी, तरशी और नाराजगी का एहसास ना हो। लेकिन इसके लिए किसी मौजीजे के इंतजार में ना रहिए। कोई नामी गिरामी मुंबल्लिक भी कहीं से आकर आपके सर पर दस्त शफकत नहीं रखेगा। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि आप अपनी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं, बशर्ते कि आप खुदाई अहकामात पर यकीन करें, और यकीन ही नहीं बल्कि उन अहकामात पर अमल भी करें। जब तक कि आप सोचने का ढंग नहीं बदलेंगे, आपकी जिंदगी और सोच में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। ख्यालात वाहियात और मुहम्मल रहेंगे तो जिंदगी में भी नुक्स रहेगा। मैं फिर कहती हूँ, बार बार और साफ लफ्जों में कहती हूँ, आपको उन सब बातों पर सर नहीं खपाना चाहिए जो बातें आपके दिमाग में उठती रहती हैं। ऐसे ख्यालात को अपने दिमाग से झटक कर इसे मानने के बजाय अच्छी बातों से अपने दिमाग को भरिए। आपको फैसला करना है कि आप क्या सोचना चाहते हैं। अभी एक खातून यहां से उठ कर गई तो वाह, मुझे उनका जाना अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब पहली बार कोई मुझे वो बताने लगा जिसका मुझे पता नहीं था। आप सोच सकते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो नादानी और लाइल्मी के साथ इस दुनिया में मौजूद हैं। ये सोचकर मुझे बड़ी मुसर्रत होती है कि ऐसे लाखों लोग ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं जो इसे देखने से पहले नहीं जानते थे कि सुबह से उनके दिमाग में जो ख्यालात मंडला रहे हैं उन सब पर उन्हें अपना सर नहीं खपाना चाहिए था। ये एक अच्छी खबर है और दिलचस्प बात है। हम ठान लें कि हमें क्या सोचना है तो शैतान की एक ना चलेगी। हम अपना दिमाग उसके हवाले ना करें तो वो हम पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। मगर मैं कहूंगी कि फिर भी मसला रह जाता है। मसला ये है कि हम बुरी आदतों के शिकार हैं जिसे हमें तर्क करना है, मगर इस मामले में हमारा कोई जाप्ता नहीं होता। और यही वजह है कि हमें रूहुल खुदूस की सोहबत अख्तियार करनी है और एक अरसे तक उनके साथ मेहनत और पाबंदी से काम करना होगा। इसलिए ये ना सोचिए कि आज की गुफ्तगु सुनकर आप घर चले जाएंगे और फिर आपको अपने दिमाग से जंग नहीं करनी पड़ेगी। जंग 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 करते रहो। बेहतर यह है कि आप अपनी जिंदगी और कामयाबी के लिए लड़े सिर्फ शैतान के खिलाफ जो आपके खिलाफ घात लगाकर बैठा है। मुस्तकिल मोर्चा खोल करना रह जाएं। आप फौजी हैं, आप मुजाहिद हैं, आपके अंदर ऐसी बात है जो आपको इसकी इजाजत नहीं देता कि आप शैतान की हर बात माने। मुझे यकीन है कि आज मैं आपको ये महसूस कराऊंगी कि आप अपनी जिंदगी को बुराइयों से पाक कर सकते हैं। खुदाई अहकामात को सुनिए, उन पर अमल कीजिए, तब न दोजक के शैतान और न इस दुनिया के किसी इंसान की ये मजाल होगी कि आपके सही रास्ते में रुकावट डाल सके। बस शर्त ये है कि खुदा की मर्जी और हिदायत के मुताबिक सोचते रहिए और उसकी फर्मा बरदारी भी कीजिए, तब आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी। मगर ऐसा रातों रात नहीं होने वाला। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। इस तरह की कोशिश करने पर नतीजा भी अच्छा निकलेगा। आज यहां से घर जाने के बाद आप गौर कीजिए कि आपके हिस्से में कितनी बेइंसाफियां आई हैं, आपका बचपन किन मुश्किलात में गुजरा है। काश आपको ये सब ना झेलना पड़ता, ये गुर्बत, ये मुश्किलात ना सहनी पड़ती, ये तकलीफ ना बर्दाश्त करनी पड़ती। लेकिन इसका मुदावा कोई नहीं कर सकता। ये तो आप पर है, कोई और सही सोच नहीं दे सकता, ना सही रास्ते पर ले जा सकता है। मैं आपके सामने जिंदगी और मौत की बात रखती हूं। अपने और अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचिए। आज अगर आप सही सोचेंगे तो इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा।
आपको जिस तरह जिंदगी गुजारते देखेंगे कल को वो भी इसकी तकलीद करेंगे। आपकी हर सेहतमंद सोच का असर आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है। अपनी सोच को बदलिए। दुनिया से समझौता मत कीजिए, बल्कि समझौता करने के बजाय अपनी नई सोच और अमल के जरिए पूरी जिंदगी में इंकलाब लाने की कोशिश कीजिए कि आप अपने वजूद को तस्लीम करवा सकें। फिर सुनिए, रोमियो 12:2 के तहत अपने वजूद को तस्लीम करवा सकें और समझे कि खुदा को क्या सही और काबिल कबूल है। खुदा आपकी जिंदगी का अच्छा नक्शा तैयार करता है, लेकिन इस खाके में आप रंग भरिए। बैठे बिठाए लंबी हांकना सहल हो सकता है, मगर अमलन यह हंसी खेल नहीं होता। वादा की गई सरजमी की बातें 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 करते रहने का अंजाम ये हो सकता है कि हम सर तापा थक जाएं। बयाबा में भटकते हुए सरजमीन मऊदा की कोरी बातों से कोई भी उकता सकता है, तंग आ सकता है। उस सरजमीन पाक का जिक्र सब करते हैं, मगर वहां जाने का रास्ता कोई नहीं बताता। इसीलिए इफिसियों 4:23 में कहा गया है कि अपने तर्ज फिक्र और अमल में तब्दीली लानी चाहिए। इम्साल 23:7 में कहा गया है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है। आदमी अपनी सोच की पैरवी करता है। कुलसिया 3:2 में कहा गया है कि सही सोच के साथ आलम बाला पर नजर रखो, ना कि दुनियावी चीजों पर। जहन तैयार रखिए कामयाबी के लिए। ये अज्म कीजिए कि कंगाल नहीं रहना है और ना ही तलखी और खिफ्वत उठाना है। कम से कम इतने के लिए दुआ मांगनी है। इसलिए दुआ मांगते रहिए और ये तय कीजिए कि आप ये जिंदगी नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दुआ मांगूंगा। सोचते हुए आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंची कि आधी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजार दी, मगर अब पागलपन में नहीं रहूंगी। कुछ लोग सारी उम्र हवास बाखता रहते हैं, किसी और की वजह से नहीं तो अपने ही लिए। आप खुदा से नाराज नहीं तो शैतान से नाराज रहते हैं, हर चीज से नाराज रहते हैं। गर्ज ये कि हर वक्त किसी न किसी से बेजार रहते हैं। कभी अपने अफसर से नाराज रहते हैं, तो कभी अपने महकमाए डाक से नाराज रहते हैं। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं ये नाराजगी छोड़कर खुशी की जिंदगी बिताऊंगी। हालेलुया। इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी है और कामयाब व सुरखरू होने का तहिया करना है। हमें पता चला है कि इरादे से हम अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। बेहतर जिंदगी के लिए हमें गुर्बत के दलदल से निकलना होगा। मैं किसी की गुर्बत या जरूरत का मजाक नहीं उड़ाती। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हर एक जगह टिके रहने के बजाय आपको ये बताना है कि आगे भी बहुत कुछ है। कौन नहीं चाहेगा कि बेहतर बनने के लिए उसका हौसला बढ़ाया जाए। मुझे जब एहसास हुआ कि अब मुझे जुर्म और सजा के साए में नहीं रहना है, तो मैंने ये तय किया कि पूरी जिंदगी मैंने सुबह से शाम तक एहसास खता में जो बिताई है, अब मैं वो जिंदगी नहीं बिताऊंगी और हर हाल में इससे बाहर निकलूंगी। आपको मैं जितना भी समझाऊंगी उससे बात नहीं बनेगी। ता वक्ते कि आप तहैया नहीं करेंगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला। आपके पास जो है उसे छोड़कर कुछ और पाने की तमन्ना नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। यहां से जाते हुए ये अज्म कीजिए कि आप अपने अपने घर को संवारेंगे, अपनी दिमागी सोच को बदलेंगे। और खुदा के अहकामात पर ध्यान देंगे। अपने अंदर वो खूबियां पैदा करेंगे जिसकी तालीम देने के लिए ईसा ने अपनी जान दे दी। मैंने अपनी जिंदगी को पुर मुसर्रत बनाने और अमनो अमान कायम करने की ठान ली है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस दुनिया में मैं अपना नक्श छोड़ जाऊं और अपनी रिवायत छोड़ जाऊं। मुसम्मम इरादे और नूर बसारत के साथ आप जिधर भी कदम बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा खुशी पाएंगे। आपकी खुशियों को आपका ये एहसास जायल करता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। खुदा की मुझ पर कभी इनायत नहीं हुई है। खुदा ने मुझे मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं दी है। मैं हर शख्स से नफरत करता हूँ। मैं धरती का बोझ हूँ। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। कोई भी भरोसे के काबिल नहीं। कोई भी नेक फितरत नहीं है। कोई भी सही नहीं है।
अलीसिया में भी कोई काबिले एतमाद नहीं है, कोई नहीं। दिल करता है आपके पास आकर आप में से बाज को झंझोड़ूं। अपने आप को तैयार कीजिए, आप समझ रहे हैं ना? आपको ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आना होगा। आपको तर्क करना होगा अपनी बेल्तफाती, काहिली, मजहूलियत और बेहिसी को और नादारी के एहसास को, और ये ऐलान करना होगा कि मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं सेहतमंद बनने के लिए। हस्बे जरूरत अपना वजन कम करूंगा, मैं अपनी खिलवत गाह की सफाई करूंगा, मैं अपने घर की सफाई करूंगा, मैं अपनी कार की धुलाई करूंगा, और मैं अपने आप को बदलकर एक नफीस शख्स बनकर दिखाऊंगा। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि ये जगह तो बहुत आरामदेह है, हर किस्म की आसाइशों यानी सुरीली मौसीकी, नजर नवाज रोशनी और वीडियो के साथ जब किसी को तबलीग तलकीन करते सुनेगी तो लगेगा आपको लगेगा कि आप शेर को पकड़कर उसकी दुम मरोड़ सकते हैं। मगर जब घर पहुंचेंगे तब शैतान आपको समझाएगा, भाई ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है। उस वक्त आपको बहुत बड़े झूठ से साबिका पड़ेगा जो दोजख की गहराइयों से सुनाई देगा। ये तो वाकई बहुत दुश्वार रास्ता है। तभी हम भी सोचने लगते हैं कि वाकई मुश्किल है, तभी शैतान कहता है और नहीं तो क्या। अपने जिस्म को देखिए, यीशु मसीह के आने तक मुशक्कत करेंगे तब भी साफ नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं ना, यहां जो चीज होती थी वो यहां से गायब हो गई। हां, इसका मतलब समझते हैं, अगर आप शैतान को अपने ख्यालात को पस करने देंगे तो वो भी आपको जेर करेगा। बाइबल में कहा गया है कि अपने दिमाग को कमजोर मत होने दो। दिमाग को नजरअंदाज करने का मतलब सब कुछ खत्म। दिमाग के कमजोर होते ही जहन्नुम में जश्न मनाया जाएगा। इसी बिना पर बाइबल में कहा गया है कि अपने दिमाग पर शिकंजा कसो, अपने दिमाग को चाकू चौबंद रखो ताकि आपके दिमाग इधर उधर ना भटके। और सुनो, ये मुख्तसर मुद्दत की जंग होगी मगर बड़े कांटे की होगी, क्योंकि शैतान का कब्जा आपके दिमाग के चौथाई हिस्से पर है। तो ये मत सोचिए कि वो अपनी मर्जी से बेदखल होगा। कुछ दिनों पहले किसी शख्स से मुझको सदमा पहुंचा, मेरे बारे में बहुतान तराशी की गई थी। आपको पता है जब आपका दिल टूटता है और सदमा पहुंचता है तो शैतान फायदा उठाता है। लेकिन मैं लड़ने का तरीका बताती हूं, फौरन बाइबल उठाकर उसे पढ़ना शुरू करो। पढ़िए कि खुदा आपका हामी है और वही आपका दफा करता है। वो बड़ा इंसाफ पसंद है, आपके साथ भी इंसाफ करने का वादा करता है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का वादा करता है। आप ये आयतें जेरे लब नहीं आवाजें बुलंद पढ़कर शैतान से लड़िए। मुझे याद है कभी किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी और इसे भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ना तो मुझसे बर्दाश्त किया जा रहा था और ना ही मुझसे माफ किया जा रहा था। तब मैं अपने छोटे से कमरे में जो मेरी इबादत गाह थी, मैं वहां गई और मैंने खुदा से कहा कि मैं यहां से उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे मेरे इस मनफी जज्बात से निजात नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि मैं जिंदगी में लोगों से नफरत नहीं करना चाहती। आप सुन रहे हैं ना, मैंने कहा मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे मनफी जज्बात से निजात नहीं दिलवाते, क्योंकि मैं जिंदगी में लोगों से नफरत नहीं करना चाहती। आपको भी अज़्म समीम के साथ ऊंची आवाज में ऐलान करना होगा ताकि शैतान आपके नुक्ते नजर से वाकिफ हो जाए।
खुदा तो दिल का हाल जानता है मगर शैतान आपकी आवाज। जबान पर दिल की बात आती है। आपके ख्यालात मनफी होंगे तो आपका अमल भी मनफी होगा। मजबूत सोच और बिल इरादा हुस्ने ख्याल से वास्ता रखें। अपने जहन में अच्छी जिंदगी का खाका बनाइए। जिंदगी में अच्छी अच्छी बातें सोचिए। खुदा भी आपके लिए यही चाहता है। बहुत सोच समझ कर अपने ख्यालात लाइए। मरकज 4:24 में है कि उसने बंदों से कहा, अपनी समाज पर ध्यान दो, क्योंकि जो सच्चाई तुम सुनते हो उसे जितनी दानाई और अक्ल से परखोगे उसी हिसाब से तुम्हारी दानाई और नेकोकारी का दर्जा तय होगा, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा अज्र तुम पाओगे। खुदाई अहकामात पर गौर करना जरूरी है। मैं नहीं जानती कितने लोग ऐसा करते हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं पिछले 29 सालों से साबित कदमी के साथ खुदा के रास्ते पर चल रही हूं। खुदा के रास्ते में खुद को सौंप देने से पहले भी अकीदतन में मसीह थी। दोनों में फर्क है। आप नीम गर्म मसीह हो सकते हैं या तपते दहकते मसीह, यानी एक कदम बादशाहत में तो दूसरा कदम हरुकाते दुनिया में उन मसीहों की तरह जो हफ्ते भर शैतान की पैरवी करते हैं और इतवार को चर्च भी जाते हैं। अच्छा ये होगा कि आप सरतापा पाबंद मसीह हों और अपना सब कुछ इसी रास्ते पर लगा दें। आमीन। एक बामकसद और कामयाब जिंदगी के लिए 29 साल पहले ये रास्ता चुना, तभी अल्फाज खुदावंदी का सही मफहूम समझ में आ गया। लेकिन आप जानते हैं, आज 29 साल के बाद भी मुझे खुदाई अल्फाज को समझने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि तमाम मानी व मफहूम बहुत आसानी से आप नहीं समझ सकते। कलाम इलाही पर गौर करने का मतलब यह है कि बार बार सहीफों की जेरे लब और ब आवाजें बुलंद तिलावत करते रहें, बार बार सुनते रहें, उन पर गौर करते रहें। खुदा मेहरबान है, उसने हमारी बेहतर जिंदगी का खाका बनाया है। मैं जिस चीज को हाथ लगाती हूं वो फलने फूलने लगती है। मैं सर हूं ना के दुम, बेहतर हूं ना के कमतर, मुल्क मेरे मफरूज है, मैं कर्ज नहीं लेती। कामयाबी आपके मुकद्दर में है। आप रोजमर्रा के छोटे मोटे काम जैसे घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई के साथ मोदी खाने से सौदा लाते और भीड़ में गाड़ी चलाते हुए काम की जगह जाते हैं और इसके साथ हम्द व सना करते हैं और किसी मुनाजात को गुनगुनाते हैं और उसके मफहूम पर गौर करते हैं। बाइबल में इफिसियों के बाब में बताया गया है कि रूहानियत से सरशार होने का तरीका यह है कि जेरे लब पैदाइश मुनाजात नगमाए हम्द और कोई रूहानी नगमा गुनगुनाते रहिए, अपने दिल को गरमाइए। ऐ मेरी रूह खुदा मुबारक है और मेरा वजूद तेरी हम्दो सना करता है। हालेलुया। मालिक आप मेहरबान है, मैं आप पर निसार हूँ, आपकी अजमत का परिस्तार हूँ। आपको मालूम है कुछ दिनों तक आपकी ये रविश रहेगी तो फिर आप इसके आदि हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद आप खुद इन नगमों को गुनगुनाने लगेंगे, खुद ब खुद मुख्तलिफ सहीफों की तिलावत करने लगेंगे, उन्हें बार बार दोहराते रहेंगे, उन्हें बार बार सुनते रहेंगे। मगर शुरू में आपको कहीं मुराकबा में बैठना होगा और कोई नेकी का काम करना होगा, किसी की भलाई करनी होगी, मदद करनी होगी। इस तरह आप खुदा की जंग में शरीक होंगे। मगर आपको माली दिक्कत हो तो बाइबल की उन आयतों को याद कीजिए जिसमें कहा गया है कि आप देंगे तो पाएंगे भी। अच्छी तदबीर, कोशिश, पहम और आजमाइश से बात आपके दिल में उतरेगी। अगर आप मलाकी के उसूल, देहाकी और दूसरे जाब्तों पर अमल करेंगे तब खुदाए मेहरबान जन्नत की खिड़की खोलेगा, इन आयतों की ऐसी बारिश करेगा कि आप उसे समा नहीं पाएंगे। उन आयतों को याद कीजिए जिसमें बशारत दी गई है कि घर बाहर रास्ते में हर जगह रहमतों का नुजूल होगा, रहमतें आपके पीछे पीछे बल्कि आगे निकल जाएंगी। देखिए पैदाइश के 12वें हिस्से में अब्राहिम को मुखातिब करके खुदा ने फरमाया है, आप पर मेहरबानी करूंगा और आपको मेहरबानियों का पैकर बनाऊंगा, आपके जरिए लोगों तक फला पहुंचेगी। खुदा के कलाम पर गौर कीजिए और गौर कीजिए। रात को सोते वक्त भी खुदा के बारे में सोचिए। सुबह जब जागे और फर्श पर अपने कदम जमाने से पहले ही आज फैसला कर लीजिए। आज से फर्श पर अपने कदम रखने से पहले मैं बिस्तर पर कुछ मिनट के लिए लेटी रहूंगी और खुदावंद से दुआ करूंगी और कलाम इलाही की कुछ आयतों को याद करूंगी। मैं खैरात के जोर पर मिजाज दुरुस्त करूंगी उठने से पहले। मेरी बात किसी की समझ में आई?
अगर आपकी जिंदगी बेहाल है, वो बेहाल है आपकी सोच की खातिर। आपकी अक्ल कब हस्बे मामूल रहती है? हस्बे मामूल क्या है दुनिया में? एक माँ सोचती है वो एक अच्छी माँ नहीं अगर वो अपनी औलाद को लेकर फिक्रमंद नहीं होती, पर खुदा के निजाम में ये हस्बे मामूल नहीं होता। हमारी अक्ल मुख्तलिफ हालात में हो सकती है, आपकी अक्ल गड़बड़ाई हुई होगी या फिर इत्मीनान से होगी। जानते हैं गड़बड़ी को क्या पैदा करता है? क्या आप चाहेंगे मैं आपको एक रूहानी राज बताऊं? क्या मैं वो बता दूं जिसे जानने में मुझे बरसों लग गए? जानते गड़बड़ी को क्या पैदा करता है? क्या आप तैयार हैं जवाब सुनने के लिए? मुभाइसा। अगर आप मसले को सुलझाने जाएंगे तो आप गड़बड़ी में नहीं पड़ेंगे। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप इसे निगल ना लेंगे। अगर आप मसले को सुलझाने जाएंगे तो आप गड़बड़ी में नहीं पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि खुदा कहता है कि हमें सोचना नहीं चाहिए और बेवकूफों की तरह होना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करती हूं। जब कोई मसला उठता है मैं तब तक इस बारे में सोचती हूं जब तक गड़बड़ा ना जाती, और जिस पल मुझ में गड़बड़ी होने लगती है मैं जान जाती हूं बहुत हो गया और फिर रुकती हूं। खुदा गड़बड़ी पैदा नहीं करता। जब भी आप गड़बड़ा जाए तो आपको फौरन कहना चाहिए ये खुदा का नहीं, क्योंकि यीशु बोले मैं अपना इत्मीनान तुम्हारे लिए छोड़कर जाता हूं। वो इत्मीनान के शहजादे हैं, गड़बड़ी के पैदा करने वाले नहीं है। फिक्र खुदा के उसूलों के लिहाज से बसबे मामूल नहीं होता। खुदा नहीं चाहता कि हमारा जहन बेहरकत बने। कल रात मैंने कहा था जब आपके पास बेहरकत जहन होगा तब आप मेरी एक सहेली थी जो हर सुबह मुझे फोन किया करती, हम करीब ही रहा करते थे, और बोला करती आज तुम क्या करने वाली हो? और मैं जानती थी मुझे क्या करना है क्योंकि मैं एक तरीके का शख्स हूं, मैं ये वो करने वाली हूं। मैं पूछती तुम क्या करोगी? मैं नहीं जानती, ये देख रही थी कि तुम क्या कर रही हो। ऐसा अक्सर होता है, लोग करते हैं, उनकी अपनी कोई समझ नहीं होती, वो बस बेहरकत होते हैं। पर क्या आप जानते हैं फैसला नहीं लेना भी एक फैसला होता है? कल रात मैंने क्या कहा था, खाली जगह भी तो जगह होती है। मैंने कहा था ना, खाली जगह भी तो जगह होती है। यीशु ने क्या कहा, जब एक शैतान को निकाला जाता है तब वो जाकर लौटने पर जब उस जगह को साफ सुथरा पाता है तो वो अपने साथ सात और शयातीन लाकर वहां रह पड़ता है, और उस शख्स का हाल पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाता है, इतना बदतर कि जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपने वो जहानियत रखी जिसे मैं सड़ी बदबूदार सोच कहती हूं, तो सच ये होगा कि आप अपनी जिंदगी को नापसंद करने लगेंगे। आज हम कुछ वसायल पेश कर रहे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। ये उन बेहतरीन वसाइल में से हैं जो हम आपको दे सकते हैं। कई मुख्तलिफ चीजें हैं बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पर, मुझे इसकी अहमियत पर जोर देना नहीं आता, क्योंकि सच तो ये है कि जब तक आप अपनी अक्ल को दुरुस्त नहीं करते तब तक आप अपनी जिंदगी को कतई दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। दुश्मन हम पर अक्ल की मैदान जंग में हमला करता है, और आप ये जंग तभी जीत पाते हैं जब आप अपनी अक्ल से चलना सीख जाते हैं। बराए मेहरबानी तमाम मालूमात हासिल कीजिए, क्या क्या चाहते हैं इसका फैसला कीजिए, हमसे राब्ता कीजिए। हमें आपसे मोहब्बत है। खुदा आपको नवाजे।